हस्बैंड वाइफ बहुत इंटेलिजेंट है, उनका बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट था, लगभग 8-9 साल का था, उसको रोबोटिक्स में बहुत रुचि थी। 5-6 साल का था तभी, 6-7 साल का था तभी उसको भक्ति में रुचि थी, पर उसको रोबोटिक्स से पता चल गया वो कृष्ण को भूल गया। वो तो मैं उसे बात कर रहा था, ऐसे रोबोटिक्स के बारे में कुछ सवाल पूछे, ऐसे उसके मुंह से गंगा का प्रवाह होने लग गया ऐसे। फिर कि उसने अभी कुछ कंपटीशन हुआ था उसमें कुछ उसने जीता था, वो बड़ा प्राइज था उसके, अभी स्टेट लेवल पे जीता था उसने, तो अभी वो नेशनल लेवल पे कंपटीशन में जाने वाला था रोबोटिक्स कंपटीशन। तो फिर मैंने उससे पूछा कि जब तुम ये रोबोट्स बनाते हो तो किस प्रकार के रोबोट्स बनाओ, तो बोले कि हम वैसे एफिशिएंटली मूविंग रोबोट्स को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं डू दे अप्रिशिएट इनोवेशन, मैंने चीज़ अच्छा लगता है। हाँ बोले, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, कि आप सोचते हो कि आप एक कृष्ण का रोबोट बना दोगे, ये कृष्ण भगवदगीता कुछ बोल रहा है, नो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, नहीं अच्छा आइडिया, बोल के चला गया। कि माता पिता से बात करना 5 मिनट के बाद आ गया, एक्चुअली इट इज़ नॉट सच अ बैड आइडिया, कि इतनी बुरी आइडिया भी नहीं है, मतलब कि कोई और ऐसा रोबोट तो सोचेगा नहीं। और आजकल ये अमेरिका में डाइवर्सिटी इंक्लूजन ये सब आता है, चलिए इस बी अप्रिशिएटेड। तो फिर एक हफ्ता हो गया, उसे माता पिता ने फ़ोन किया, बोले कि अभी वो भगवदगीता पढ़ रहा है, बोले कि ये देख रहा है कि विच वर्सेज विल साउंड कूल ऑन हिज रोबोट।